कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, जो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो डाल रही हूँ अपने। ये मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग जो है वो हो जाती है जी सुबह 4:30 बजे, और नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर उठते हैं जी दोपहर को। दोपहर को हमारा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो जाता है, तो कुछ भी खा लेते हैं। ज़्यादातर वही रोटी सालन मतलब खाना वगैरह ही खा लेते हैं, तो बस वही हमारा नाश्ता भी होता है, वही हमारा दोपहर का खाना भी होता है। ये हो रहा है जी अभी दोपहर का टाइम, और हस्बैंड जो है वो सो रहे थे, उठते थे काम पे, उनको वापस जो है वो जाना था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैंगो का मिल्क शेक, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और उनको भी। तो वैसे तो मैं उनके लिए बना रही थी, उस हिसाब से मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था, लेकिन बन गया था ज़्यादा, क्योंकि मैंने सोचा था मुझे नहीं पीना और ज़्यादा बना, तो फिर मैंने सोच लिया कि चलो क्यों नहीं, अगर बन ही गया तो पी लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी जो है बन रहा है मिल्क शेक, और माशाल्लाह से वो इतना ज़्यादा बन गया था, मैं जबकि मैंने अपने हिसाब से जो है वो एक गिलास ही दूध ऐड किया, ताकि उनके लिए ही एक गिलास बने, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बन गया था, तो फिर मैंने भी लिया, बच्चों को भी दिया। तो ये जी हो गया है रेडी, और हम आपको दिखा रहे हैं अपना मिल्क शेक बहुत ज़ोरों शोर से। अभी हम आपको अपने हाथ भी दिखा रहे हैं, हमारे हाथ भी देख रहे हैं। बच्चे जो हैं वो कैमरे के आगे इतने खुश हो रहे होते हैं कि तो जी अभी टाइम हुआ जाता है डिनर का, और मैं डिनर में बना रही थी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, वही कुर्बानी वाला हमारा जो है वो गोश्त था, तो मैं उससे बना रही थी। तो उसके लिए मैंने चीज़ें वगैरह प्रिपेयर कर ली थी, और ये कुछ सब्ज़ी वगैरह आई थी जिसको मैंने धो के रख दिया था। जब ये ड्राई हो जाएगी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो है मैंने कढ़ाई के लिए भी अलग से टमाटर निकाले हुए हैं, और इनको मैं कर दूंगी ग्राइंड। बहुत इजी पीसी सी रेसिपी मैंने बनाई थी। गोश्त जो है वो मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल के और उसको बॉईल कर दिया था, उसको मैंने इतना ही पानी डाला जितना, अगर वो पक जाए तो उसमें थोड़ा सा रह जाए, उसमें बहुत ज़्यादा शोर बनाओ। तो जब वो पक गई तो उसके बाद उसमें मैंने ये मैंने टमाटर जो है वो ग्राइंड कर लिए, साथ में इसमें दही भी डाल दिया, क्योंकि ये दो चीज़ें तो मस्ट होती हैं। और जब गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा, उसकी यखनी जो है वो काफ़ी थोड़ी सी रह जाएगी, तो मैं उसमें ये पेस्ट ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं उसमें ऑयल और कढ़ाई मसाला जो रेडीमेड में लेके आई थी वो मैं डालूँगी, और इस पर जो है मेरे हस्बैंड एक नया मसाला लेके आए थे कढ़ाई पर, जो कि बहुत मज़े का था, उससे जो है वो काफ़ी अच्छी बनी थी। हर ब्रांड का अपना जो है वो फ्लेवर होता है, तो इसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो फ़िलहाल जो है वो गोश्त पक रहा था, तो ये है जी बेवक की भूख खरबूजा, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत मीठा था। तो ये मैंने काट दिया था बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसके बाद जो है कुछ टाइम चल वल किया तो गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया, कुकर में मैंने रखा था। और ये मसाला है जो मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसके, ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बनता है। और ये मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है सिंपल, बस जब वो गल गया गोश्त उसमें मैंने वो टमाटर और दही का पेस्ट डाल दिया, ऑयल डाला और मसाला डाल के अच्छे से बनाई की, और ये जो है वो बन गया है। धनिया और हरी मिर्च से जो है वो गार्निश किया, तो कढ़ाई वो रेडी हो गई है। अदरक मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाली। तो बस यही था जी व्लॉग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।